रहीम, मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जनरल प्रैक्टिस में कुछ टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं कुछ स्पेसिफिक मेडिसन्स के लिए, जो हमने खासतौर पर डिस्पेंसरी में रखी होती हैं, जो यानी कि हमारे डिस्पेंसिंग आइटम्स होती हैं और हमें पाउंड फॉर्म में मिलती हैं। एक पाउंड यानी कि बड़ा शरबत की एक बॉटल होती है, उसके अंदर मिलती हैं, तो उनको हमने कैसे यूज करना है। स्पेसिफिकली ये खास तौर पे जो है ना जीपी प्रैक्टिस में यूज की जाती है। आप अगर एज अ जनरल प्रैक्टिशनर अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो है ना लेट स्टार्ट। सबसे पहले तो जो है ना आप लोगों को आइडिया ही होगा, जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो यानी कि हाउस जॉब में ही आइडिया हो जाता है, आईवी इंट्रावीनस यानी कि जो ड्रग्स या मेडिसिन आपने इंट्रावीनस देनी है उसके लिए आईवी टर्म यूज करते हैं, और जो आपने इंट्रामस्कुलर देनी है उसके लिए आईएम यूज करते हैं। इसी तरह अगर सबक्यूटेनियस देनी है उसके लिए एससी यूज करते हैं, ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में उसके लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हम यूज करते हैं एक स्टैट, ठीक है, ये स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये स्टैट है, आईवी इंटू स्टैट, ठीक है, आईएम इंटू स्टैट, ठीक है ना, या सबकुटेनियस, ठीक है, इनटू स्टैट, ठीक है ना। ये जब हम यूज करते हैं इसका मतलब है ये सिंगल डोज हमने देनी है, ठीक है। स्टैट का मतलब है अभी यहीं पे ही दे दो डोज इसको, ये वाली, ठीक है। स्टैट का मतलब है ये एक सिंगल डोज हमने यूज करनी है, दोबारा इसको नहीं देना हमने। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई आईवी एंटीबायोटिक देना चाहते हैं तो आईवी स्टैट का मतलब है आप सिंगल बोलस डोज एक देना चाह रहे हैं उसको, उसके बाद उसको आपने शरबत दे देना है, वहां से जो है ना उसने रिकवरी अपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है, ये स्टैट डोज। और दूसरी कुछ टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, यूज नहीं करते, ये अपने शरबत पे लिखी होती है। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने नॉलेज के हिसाब से जो है ना कौन सा शरबत देना चाहते हैं उसको। एक आता है बीपी, ठीक है। अब ये हमने अगर फार्माकोलॉजी में पढ़ा हो आप लोगों ने तो फार्माकोपियाज होते हैं। बीपी का मतलब है ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया, और यूएसपी, ठीक है, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ये बेसिकली हम दो फार्माकोपियाज हैं जिनको हम जो है ना फॉलो करते हैं, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है। उसके बाद कुछ और जो है ना मेडिसिन आ जाती हैं जिनको आपने जो है ना एब्रीवेशन में कहना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये पीसीएम हम यूज करते हैं, पीसीएम दे दें जी इसको, वो टैबलेट भी हो सकती है, ठीक है ना, वो सस्पेंशन सिरप में भी हो सकता है, ठीक है। पीसीएम स्टैंड्स फॉर पैरासिटामोल, ठीक है, पैरासिटामोल, और इसी के साथ हम फिर देने बीएफएन, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो डिफरेंट लोग डिफरेंट उसमें यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली यही यूज होती हैं। बीएफएन हम यूज करते हैं आबुप्रोफेन के लिए, एबुप्रोफेन के लिए, जिसको हम आम जबान में ब्रूफिन कहते हैं, ठीक है। पैरासिटामोल जो पेनाडोल है उसको हम जो है ना पीसीएम के उससे यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह आ जाता है सीपीएम, ठीक है, सीपीएम आ जाता है क्लोरफिनारामीन मेलिएट के लिए, क्लोरफिनारामीन मेलिएट के लिए हम यूज करते हैं सीपीएम, ठीक है। ये एंटी एलर्जिक है, ठीक है, सीपीएम जो होता है क्लोरफिनारामीन मेलिएट एंटी एलर्जिक है, इसको हम सीपीएम के तौर पे यूज करते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका डीएम, ठीक है, या बाज लोग सिर्फ डी भी लिख देते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है डेक्सामेथासोन, ठीक है, डेक्सामेथासोन इसका जो है ना वो एब्रीवेशन है डीएम, डेक्सामेथासोन का, ठीक है। इसके बाद हम यूज करते हैं पीएमजी, ठीक है, ये हम यूज करते हैं प्रोमेथाजिन के लिए, ये मैं क्लासिफिकेशन इनकी नहीं बता रहा कि ये किस काम के लिए यूज होते हैं, वो आप प्रैक्टिस में अच्छी तरह सीख जाएंगे, या अगर इसके बारे में भी पूछना चाहते हैं कि जी ये किस काम के लिए यूज होती हैं, तो वो फिर आप वीडियो के नीचे आकर कमेंट कीजिएगा तो मैं इनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ये हमारी कुछ चीजें हो गई जो जो है ना हम उसमें यूज करते हैं। बाकी जैसे आम रूटीन में हम यूज करते हैं सीओटी, ठीक है ना, ये होता है कोट्राइमॉक्साजोल,
कोट्राई मक्साजोल, ठीक है ना, सीओटी हम यूज कर देते हैं उसके लिए, ठीक है। ये टेबलेट फॉर्म में भी हो सकता है, सिरप फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ हम जो है ना और भी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम यूज करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, लेकिन वो क्या होता है कि वो हिडन होनी चाहिए। यानी कि कुछ हमने जो ऐसे टर्मिनल स्टेजेस होती हैं किसी भी बीमारी की, तो वो हम उसको हिडन ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि वो उस वक्त जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी होता है उसी ने एक्सप्लेन करनी होती है। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज हम ऐसे कह दें तो वो, यानी कि हम आपस में तो डिस्कस कर रहे होते हैं जी फलां चीज है, तो यानी कि हमें तो आइडिया हो जाता है कि जी इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पेशेंट को आइडिया नहीं होता उन चीजों का, ठीक है। तो बेहतर है कि पेशेंट को पता ना चले, चूंकि ये वीडियो मेरे जो पेशेंट्स हैं वो भी देखते हैं, तो इसलिए वो वाली टर्मिनोलॉजीज मैं जो है ना यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ। वो आप लोगों को जब हाउस जॉब में जाएंगे तो तब आप लोगों को उस बारे में आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।